स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। अच्छा यार, हमने लास्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट आइजा 200 देखा था हमने, जनरल कॉन्सेप्ट्स देखे थे। हमने चार पांच क्लासेस जो हैं जनरल कॉन्सेप्ट्स पे और अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे लगाई हैं और हमने पास पेपर्स की प्रैक्टिस की है। अच्छा अब हम अपने मेन स्ट्रीम कोर्स की तरफ चलते हैं। अच्छा इसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारे पास मुख्तलिफ आइजाज हैं और इनको मैंने मुख्तलिफ फेजेस में जो है कैटेगराइज किया है। इसमें हमारी प्लानिंग फेज है, एग्जीक्यूशन फेज है, कंक्लूजन फेज है और रिपोर्टिंग फेज है। अच्छा तुम ये तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख सकते हो तुम। हमने आइजा 200 पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट, इसके साथ हमने जनरल कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए हैं। सर इसके बाद जो हमने प्लानिंग फेज में आइजा पढ़ना है सर, वो आइजा 210 है, 210 एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। सर ये क्या आइजा है, इस आइजा को इस फेज में क्यों कैटेगराइज किया है और इसको इसको जानना क्यों जरूरी है सर, इसको हम देखते हैं आज की क्लास में। अच्छा प्लस ये कि मैं तुम लोगों को मैंने शुरू की क्लासेस में तुम लोगों को मैंने चार्ट दिखाया था जिसमें मैंने पास पेपर की एक एनालिसिस की थी। अच्छा तुम ये एनालिसिस देख सकते हो, इसमें आइजा 210 तुम देख सकते हो काफी फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता रहा है और अच्छा लास्ट टू अटेम्प्ट से ना ये आया नहीं है, तो इस दफा इसके चांसेस जो है ना बहुत ज्यादा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट आइजा है इस अटेम्प्ट के लिए, तो इसको बड़ा डिटेल में पढ़ के जाना और मोस्ट प्रोबेबली इससे इस दफा 4-5 नंबर का सवाल आ सकता है। देख रहे हो 4 से 5 नंबर के भी सवाल आए, 8 नंबर का भी सवाल आया है, तो इस दफा के लिए आइजा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। अच्छा सर प्लानिंग फेज में इसको कैटेगराइज क्यों किया है सर, इसकी वजह भी देख लें। सर देखें आपके जो आइजाज है ना, ये बेसिकली फेज वाइज बने हुए हैं। आप जब भी ऑडिट स्टार्ट करने जाएंगे तो पहले तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑडिट का मकसद क्या है, ऑडिट की ऑडिट ऑडिट से क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसके लिए एक बुनियादी आइजा आइजा 200 जो है वो रख दिया गया, यानी ऑब्जेक्टिव। सर उसके बाद फिर ये बताया कि जब आपने प्लान बना लिया कि सर मैंने ऑडिट करने जाना है, तो कुछ बुनियादी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिस जो आप क्लाइंट से एग्री करेंगे, जिनके बेसिस पे आप क्लाइंट के पास जाएंगे, यानी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स को आप लोगों ने डॉक्यूमेंट करना है। सर वो अंडरस्टैंडिंग, उसको डॉक्यूमेंट करना सर, ये हमें आइजा 210 बताता है। सर आ जाते हैं पेपर पे। सर ये अच्छा सर, ये ज्यादा बड़ा आयदा नहीं है, छोटा सा आयदा है और एक क्लास में ये हो जाएगा। अच्छा सर एक बात याद रखिएगा सर, आप जैसे जैसे ही आपको कंपनी ऑफर करती है, फॉर एग्जांपल एक एजीएम होती है कंपनी की और फर्ज कर ले आप ऑडिटर हैं, उसके शेयर होल्डर जो हैं वो आपको आपको फाइनलाइज कर देते हैं और आपको अपॉइंटमेंट की ऑफर चली जाती है। सर देखें ऑफर जो है ना वो कंपनी आपको दे रही है बीइंग एन ऑडिटर। सर ये ऑफर जो है ना सिर्फ अपॉइंटमेंट की ऑफर है सर, ये ऑफर अभी एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट नहीं हुई है, यानी ऑडिटर को कंपनी ने ऑफर तो दे दिए कि भाई तुम मेरे ऑडिटर बन जाओ, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, पर सर ऑडिटर को भी इसकी एक्सेप्टेंस देनी होती है कंपनी को थ्रू लेटर हेड की फॉर्म में। सर उस एक्सेप्टेंस के उस एक्सेप्टेंस को हम एंगेजमेंट लेटर का नाम दे सकते हैं, उस एक्सेप्टेंस को हम एंगेजमेंट लेटर कहते हैं। तो सर याद रखिएगा, हमेशा जब भी ऑडिटर किसी इंगेजमेंट को परफॉर्म करने जाएगा, ऑडिट इंगेजमेंट हो या कोई भी इंगेजमेंट हो, हम जो कि पर्टिकुलरली ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो सर एक्सेप्टेंस किसी फॉर्म में होगी, उस लेटर को उस लेटर को हम इंगेजमेंट लेटर कहते हैं, यानी ऑडिटर की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन होती है कि ही इज एक्सेप्टिंग द ऑफर। सर इसे इंगेजमेंट लेटर कहते हैं और इसमें ऑडिटर बहुत बुनियादी चीज़ों को इसमें मेंशन करता है, इसमें वो अपनी जो तवक्कुआत हैं क्लाइंट से और क्लाइंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस सबको डॉक्यूमेंट करता है, और जब तक ये इंगेजमेंट लेटर क्लाइंट जो है काउंटर साइन नहीं कर लेता, यानी क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर लेता, उस वक्त तक सर ऑडिटर इंगेजमेंट परफॉर्म नहीं करता है। ये आपको बुनियादी चीजें इस वक्त पता होनी चाहिए। अच्छा सर आपने आयजा 200 पढ़ाया, आयजा 200 के बाद क्या सर डायरेक्टली हम जो है आयजा 210 पे पहुंच जाते हैं? नहीं सर, आयजा 210 पे हम डायरेक्टली नहीं पहुंचते, हमें कुछ लीगल कंसिडरेशन को, कुछ कुछ कोड ऑफ एथिक्स को और कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हमने देखना होता है। तो सर मैंने राइट साइड पे ना एक क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूंस की मैंने कंसिडरेशंस लिखी हैं। सर इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ कि सर आइजा 200 पढ़ने के बाद ना
अगर मैं आपको आयसा 210 पढ़ा रहा हूँ तो बीच में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सर सबसे पहले आपने लीगल कंसिडरेशन को कंसिडर करना है, यानी सर जो लोकल लॉज है ऑर्डर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कंट्री के अंदर, उनको आपने कंसिडर करना है। आपने डायरेक्टली आयसा 200 के बाद 210 में ही पहुंच जाना कि सर क्या टर्म्स होनी चाहिए। सर आपको कंट्री के लॉस पता होना चाहिए कि कंट्री के लोकल लॉस क्या कहते हैं, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या क्राइटेरिया लेट डाउन करते हैं, कौन एलिजिबल है, कौन क्वालिफाइड है, कौन डिसक्वालिफाइड है, ये तमाम आपको लोकल लॉस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सर पाकिस्तान में हमारी कंपनीज एक्ट है जो कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के हवाले से हमें बताती है, हमें लॉस के से रिलेटेड हमें इन्फॉर्म करती है। सर हमारे कोर्स में सेक्शन 246 से 253 तक कंपनीज एक्ट शामिल है। सर ये जब हम ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट के सेक्शंस जब पढ़ेंगे तब हम इसे डिटेल में देखेंगे। अच्छा सर सिर्फ लीगल कंसिडरेशंस को हमने कंसिडर नहीं करना होता, सर हमने एथिकल कंसिडरेशंस को भी लेके आना होता है। सर सर ये क्या हुआ सर, लीगल कंसिडरेशंस का सफिशिएंट नहीं है? सर देखिए लीगल कंसिडरेशंस तो सिर्फ एलिजिबिलिटी के बारे में बताते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं कि कौन ऑडिटर हो सकता है कौन ऑडिटर नहीं हो सकता एज पर लॉस। सर एथिक्स जो है ना उससे ऊपर की बात करती है जो लॉ में लिखा हुआ नहीं है। सर एथिक्स के अंदर केसेस लेट डाउन किए जाते हैं, मुख्तलिफ सिनेरियोस लेट डाउन किए जाते हैं जहाँ एथिकली देखा जाता है कि एक ऑडिटर जो है ऑडिटर एक फॉर्म ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है किसी क्लाइंट का या नहीं हो सकती, यानी पोटेंशियल जो है पोटेंशियल ऑडिटर आप बन सकते हैं या नहीं बन सकते, उसके अंदर केसेस डिफाइंड है। तो अच्छा एथिक्स में हमने ये देखना होता है, एथिक्स जो बेसिकली हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल की कंप्लायंस के बारे में बताता है, उसको उसकी कंप्लायंस को इंश्योर करने के बारे में बताता है। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी क्लाइंट के ऑर्डर बन जाए और हम किसी फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल की नॉन कंप्लायंट हो। तो सर अगर ऐसा सिनेरियो आएगा तो कोड ऑफ एथिक्स फिर हमें मना कर देगा ऑडिटर अपॉइंट होने से। सर इसको हम डिटेल में देखेंगे। सर इसमें हम प्रोफेशनल क्लियरेंस का सेक्शन देखेंगे जो सेक्शन 210 है, जब हम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे उसको डिटेल में देख लेंगे। सर हम प्रोफेशनल क्लियरेंस देखेंगे जो कम्युनिकेशन होती है प्रेडिसेसर ऑडिटर के साथ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में, फर्स्ट ऑडिट एंगेजमेंट में, सर हम उसको देखेंगे। सर आपको अभी इस स्टेज पे ये पता होना चाहिए कि हम अभी क्लाइंट एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी अभी क्लाइंट हमारे पास आया नहीं है, उसको एक्सेप्ट करते वक्त जो हमने कंसीडरेशंस लेनी है जो क्लियर करनी है हम उस स्टेज पे हम खड़े हैं। तो सर अभी हम क्लाइंट एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस से हम एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस में और एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में फर्क है, वो जब हम डिटेल में आगे क्लासेस देखेंगे तो उसमें इसको डिटेल में जाके हम पढ़ेंगे। अच्छा सर सिर्फ लीगल कंसीडरेशंस को और कोड ऑफ एथिक्स को हमने कंसीडर नहीं करना है, सर हमने कुछ क्वालिटी कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है। सर ये क्वालिटी कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट क्या है? सर बेसिकली ये वैसे आपके कोर्स में है नहीं, सर जो भी फॉर्म्स होती है ना इनके अंदर इनके पास क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स होते हैं। हमारी जितनी भी पाकिस्तान में फॉर्म्स है, दुनिया में जितनी भी फॉर्म्स ऑपरेट कर रही है, ये बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है ISQC 1, जिसमें ये जनरली आप फॉर्म्स को बताता है, फॉर्म को ब्रीफ करता है कि जो भी आप एंगेजमेंट्स आप एक्सेप्ट करें सर उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए आपका उसको सिलेक्ट करते वक्त। सर आपको ये देखना है कि जो भी आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने जा रहे हैं जो क्राइटेरिया यूज हुआ है, क्या आप उस क्राइटेरिया से, क्या आप उस फ्रेमवर्क से एग्री हैं या नहीं, ये जनरल बात है ISQC कहता है। सर पहली बात, दूसरी बात ये कहता है कि सर आपको क्या कोई डाउट तो नहीं है जो आप जो भी क्लाइंट की मैनेजमेंट है जिसका जिसका आप ऑडिट बिफोर अगर ऑडिट आप एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो इनकी क्लाइंट की मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे आपको डाउट तो नहीं है, मतलब दो नंबर लोग तो नहीं है ये, इस बात का आपने ख्याल रखना है। सर आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप जो सर्विस डिलीवर करने जा रहे हैं क्या आप उसके लिए कॉम्पिटेंट हैं, उसकी एहलियत रखते हैं, आपके पास इतनी काबिलियत है। तो सर ये जर्नल बातें हैं। सर ISQC 1 जो है वो जर्नल बात करता है कि यार आप कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने जाएं, ऑडिट हो रिव्यू हो, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, आपको पता होना चाहिए, आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, जो क्राइटेरिया उससे आपको एग्री करना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ पैसों के चक्कर में आप जो है वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लें, ये जर्नल बात है। अच्छा सर लीगल कंसीडरेशन समझ में आ गए, लीगल कंसीडरेशन को हमने एडर करना है ऑडिटर है हम, अगर कोड ऑफ एथिक्स को हमने एडर करना है, सर हमने क्वालिटी कंट्रोल्स के स्टैंडर्ड्स को सर हमने एडर करना है। सर इसके बाद जाके ना आयसा 210 आता है, इन सब के बाद जाके हम आयसा 210 पे पहुंचने। सर आयसा 210 की स्टेज क्या है? सर आयसा 210 की स्टेज ये है कि क्लाइंट मुझे ऑफर दे रहा है, अब मैं बेसिकली ये डिसाइड करने जा रहा हूँ कि क्या मुझे एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। सर आयसा 210 बेसिकली ऑडिटर की एक्सेप्टेंस है टुवर्ड्स द एंगेजमेंट। सर बहुत सिंपल सी बात करता है आयसा 210, ज्यादा बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है। सर ये कहता है कि कोई भी ऑडिट इंगेज और ये स्पेसिफिकली ना ऑडिट से रिलेटेड है, आयसा 210 ऑडिट की बात करता है स्पेसिफिकली, और इसका अगर आप देखें जाके तो इसकी इसकी जो इसका हेडिंग है वो बेसिकली एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। एग्री मींस टू डॉक्यूमेंट, टू अंडरस्टैंड द
टर्म्स का मतलब ये है कि अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द क्लाइंट एंड द ऑडिटर, एग्रीइंग विद द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। सर आईएसओ 210 बड़ी सिंपल बात करता है, आईएसओ 210 ये कहता है ऑडिटर को तो यार तुमने किस ऑडिट, कोई भी पोटेंशियल आने वाली ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू तभी करना है जब ये दो चीजें मौजूद हो। सर क्या? सर पहले तो प्री कंडीशंस ऑफ द ऑडिट मीट होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए उस एंगेजमेंट में। सर ये क्या है, ये इसको देख लेंगे। और दूसरा सर ये जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ द एग्रीड टर्म्स, यानी एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि दोनों पार्टीज काउंटर पार्टीज साइन कर लें। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी प्री कंडीशन मौजूद होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट इसका हम आप फर्स्ट इसका सेंटेंस कह सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन प्री कंडीशन होनी चाहिए, सेकेंडली कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स होनी चाहिए, यानी रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। जो प्री कंडीशन है जो प्रेजेंट है इनका रिटन फॉर्म में होना चाहिए और ये दोनों पार्टीज यानी क्लाइंट और ऑडिटर इन दोनों को दोनों के सिग्नेचर इसमें मौजूद होने चाहिए। सर प्री कंडीशन में दो बातें, प्री कंडीशन में आईएसओ 210 कहता है कि सर क्लाइंट का जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये आपको एक्सेप्टेबल है या नहीं है, यानी विदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल टू द ऑडिटर और नॉट, पहले ये सवाल है येस और नो, सर ये बात देखी जाएगी। दूसरी बात ये कहता है कि मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको एक्नोलेज कर रही है या नहीं कर रही, यानी प्री कंडीशन में दो बातें हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है, दूसरा मैनेजमेंट अपनी रिपोर्ट मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नोलेज कर रही है या नहीं कर रही, इन दोनों के आंसर्स लेने। सर अगर इन दोनों के आंसर्स यस हैं कोई मसला नहीं है, स्टैंडर्ड आपको कहता है ओके आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लें, कोई मसला नहीं है सर, लेकिन अगर इनके आंसर्स में नो आए तो फिर हम स्टैंडर्ड इसको फर्दर बिलीव करते हैं। अच्छा सर इस स्टेज पे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कुछ हम लास्ट क्लास से रिकॉल कर लेते हैं। सर हम सबको पता है कि सर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का हमने कॉन्सेप्ट देखा था। सर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि सर जो एंटिटी जिस भी ज्यूरिसडिक्शन में बैठी है वहां जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्ट हुआ हुआ है वो बेसिकली उस एंटिटी के लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। सर ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर आपने एक और कॉन्सेप्ट बताया था ट्रू एंड फेयर व्यू। सर ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये है कि ट्रू का मतलब ये है कि फ्री फ्रॉम एरर, फेयर का मतलब ये है कि फ्री फ्रॉम फ्रॉड। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनती है किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में दे शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी जैसी जैसा होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही प्रेजेंट करें। सर मेन मकसद यहाँ पे ये है कहने का कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर सर क्या ऐसा एक्चुअली में होता है या नहीं होता? तो सर इसके दो ही रीजन है, ऐसा सर हो भी सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता। सर इसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में, और आपको पता है सर पाकिस्तान में जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है सर वो IFRS है और प्लस कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है 4th एंड 5th शेड्यूल। सर आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जो फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है IFRS, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स हैं जो दुनिया भर में एप्लीकेबल हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर और इसकी इसकी वास्ट रिकॉग्निशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और सर जो आपके लोकल इसमें जो लोकल आपके एडिशन है 4th एंड 5th शेड्यूल कंपनीज एक्ट की, सर ये भी पाकिस्तान में हर कोई इससे एग्री करता है और इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया पाकिस्तान में। तो सर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो ऑडिटर्स हैं उनके लिए ये हमारा जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है पाकिस्तान का, ये ना सिर्फ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये उनके लिए एक्सेप्टेबल भी है, यानी उनको कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। पाकिस्तान के जो ऑडिटर्स हैं जितने भी बड़े बिग फोर फर्म्स हैं इवन जो उनसे छोटे ऑडिटर्स भी हैं ये नहीं कहते कि यार हम पाकिस्तान में जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है हम इससे डिसएग्री करते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था। तो सर ये बात आपने इस स्टेज पे पता आपको पता होनी चाहिए कि हर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जरूरी नहीं है कि वो ऑडिटर के लिए एक्सेप्टेबल भी हो। सर कैसे? सर मिसाल के तौर पे एक कंट्री ले लें आप कीनिया, फॉर एग्जांपल कीनिया में कीनिया का जो रेगुलेटर है वो इस तरह ये डेवलप्ड कंट्री नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और जो वहाँ का रेगुलेटर है वो भी कोई बहुत ज्यादा रेगुलराइज नहीं किया है उसने चीजों को, वहाँ पे भी अकाउंटेंट्स की प्रोफेशनल्स की कमी है। तो सर वो अजीब तरह की मंतक ले आते हैं और वो ये कहते हैं कि यार हमने IFRS को अडॉप्ट तो कर रहा किया है लेकिन हम इसको टेलर करेंगे अपनी मर्जी से, जो है ना इसमें अपनी मंत्र लाएंगे। फॉर एग्जांपल वो ये कह देते हैं कि हमने IAS 37 अडॉप्ट तो किया है प्रोविजन कंटिजन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लेकिन हम इसमें ये कहने कि कंटिजन लायबिलिटीज का जो है ना डिस्क्लोजर देना जरूरी नहीं है, आप ना दें, देयर इज नो नीड टू डिस्क्लोज कंटिजन लायबिलिटीज। अगर कीनिया का रेगुलेटर ये कह दे कि भाई IAS 37 तो अडॉप्ट कर लो लेकिन कंटिजन लायबिलिटीज का डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है,
तो ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से, इंटरनेशनली डेवलप्ड स्टैंडर्ड से अगेंस्ट बात हो जाएगी। यानी एक पढ़ा लिखा ऑडिटर जिसका दुनिया का एक्सपोजर होगा वो ये कहेगा कि ये स्टैंडर्ड सही नहीं है। यानी अगर कीनिया में इस तरह का IS-37 अडॉप्ट किया जाता है इस तरीके से टेलर करके, तो बेसिकली वो IS-37 और उससे बनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस फ्रेमवर्क से बनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर कभी भी नहीं देंगी। तो उस केस में वो फ्रेमवर्क ऑडिटर को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सर ऑडिटर को एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये बात आपको पता लग गई इस स्टेज पे कि हर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जरूरी नहीं ऑडिटर के लिए एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि सर ऑडिटर एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसका दुनिया भर में एक्सपोजर होता है, इंटरनेशनल फर्म से एफिलिएशन होती है। तो कोई भी गलत चीज ऑडिटर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में हो तो ऑडिटर उससे एग्री नहीं करता। अगर कोई गलत चीज रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में है और रेगुलेटर ने जबरदस्ती की डाली हुई है या निकाली हुई है, ऑडिटर उससे एग्री नहीं करता है और उसको करना भी नहीं चाहिए। सर आयजा 210 टूल पे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के लिए बनाया, तो वो तमाम सिनेरियोस को कैटर कर रहा है। अच्छा सर हम ऊपर चले जाते हैं रिक्वायरमेंट पे। सर आयजा 210 कहता है कि आपने ऑडिट तब एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू करना है कि प्री कंडीशन मौजूद हो और उनकी रिटन अंडरस्टैंडिंग हो, रिटन फॉर्म में हो। तो प्री कंडीशन में एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मौजूद होना चाहिए सर, है कोई मसला नहीं है सर, आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड इसमें और नहीं है एंड मैनेजमेंट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज कर रही है, मैनेजमेंट एतराफ कर रही है अपनी उन 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो हमने ऑब्जेक्टिव में और जनरल अंडरस्टैंडिंग बनी थी। सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी सर? प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के लिए। सर मैनेजमेंट जो है वो प्रिवेंशन करेक्शन डिटेक्शन फ्रॉड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को डिवाइस करने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए। सर मैनेजमेंट ऑर्डर को इन्फॉर्मेशन देगी, उसकी एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, उसको नेसेसरी एक्सेस प्रोवाइड करेगी। और सर मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर को प्रोवाइड करेगी जब वो मांगेगा। तो ये सर 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर मैनेजमेंट दिलो जान से मान रही है तो सर सब चीजें होके प्री कंडीशन मौजूद है। सर ये तो हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, सर ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा नहीं होता है तो सर अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज नहीं कर रही है ऑडिट स्टार्ट होने से पहले, उस केस में आयजा 210 ऑर्डर को कहता है कि भाई तुमने ऐसी एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करनी है, यानी एंगेजमेंट लेटर इशू नहीं करना है, ऐसे क्लाइंट के पास जाना ही नहीं, आपने पलट के ही नहीं देखना है। ऐसा क्लाइंट जिसकी मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज नहीं करे, सर आपने उसके पास पलट के नहीं जाना है, आपने ऐसी एंगेजमेंट किसी भी सूरत हाल में एक्सेप्ट नहीं करनी है। सर अगर फर्ज करें सर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज नहीं कर रही है, तो इस केस में स्टैंडर्ड आपको सीधा सीधा कह रहा है कि भाई आपने वापस नहीं जाना है, पलट के भी नहीं देखना, आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी और इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी एंगेजमेंट आपने किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करनी है, कोई एक्सेप्शन नहीं इस बात की। सर क्या एप्लीकेबल क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में भी ऐसा ही है? सर जनरली ये कहता है अगर आपका स्टैंडर्ड कि अगर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है ऑडिटर को तो उसको एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है। जनरली पहले तो ये कह रहा है कि अगर भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है सर आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन इसमें वो दो रिलैक्सेशन डाल रहा है, कुछ दो एक्सेप्शन डाल रहा है। सर वो दो एक्सेप्शन क्या है? सर वो दो एक्सेप्शन हम देख लेते हैं। सर दो एक्सेप्शन ये है कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमने जैसे अभी IS-37 भी लेके चले, मैंने तुम लोग बताया कि केनिया में जो है वो रेगुलेटर ने कह दिया कि भाई IS-37 को अडॉप्ट कर लिया लेकिन उसमें कंटिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर नहीं देंगे। तो सर ऑडिटर को ये बात पता है, ऑडिटर को रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो मैनेजमेंट से ये कह सकता है कि यार देखो मैं तुम्हारा ऑडिट कर लेता हूँ, तुम ऐसा करो कि जो एक कमी है, जो डिस्क्लोजर की कमी है, जो कमी है ना वो तुम पूरी कर दो। यानी ऑडिटर क्लाइंट से ये कहेगा कि मैं क्योंकि तुम्हारे रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से डिसएग्री कर रहा हूँ, मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम मेरे लिए एक्सेप्टेबल बना दो, तुम उसमें एडिशनल डिस्क्लोजर डाल दो। अगर सर क्लाइंट एग्री कर जाता है तो कोई मसला ही नहीं है सर। इस केस में ऑडिटर जो है वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, बस उसको ये करना होगा कि अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसमें एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालना होगा ओवर दिस एडिशनल डिस्क्लोजर, ये हम रिपोर्टिंग में देख लेंगे। सर इसमें काम की बात एंगेजमेंट लेटर इशू करते वक्त ऑडिटर जो एक्स्ट्रा बात डालेगा वो ये बात डालेगा कि तुमने ये एडिशनल डिस्क्लोजर डालने हैं तभी मैं एंगेजमेंट परफॉर्म करने आऊंगा। यानी कि प्राइमरीली तो मुझे इनिशियली तो एंगेजमेंट मुझे इनिशियली तो फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं था, पर चूंकि तुम मेरे कहने पे ये एडिशनल डिस्क्लोजर्स डालोगे तभी मैं तुम्हारा एंगेजमेंट तुम्हारा ऑडिट परफॉर्म करने आऊंगा, इस बात का मैं पहले से ही एंगेजमेंट लेटर में जिक्र कर दूंगा कि तुमने एडिशनल डिस्क्लोजर्स डालने हैं। ठीक है, ये बात सिंपल है, यहाँ पे क्लियर है कि ये एक एक्सेप्शन है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑडिटर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर
क्लाइंट मान जाए और एडिशनल डिस्क्लोजर डाल दे और ऑडिटर उसका रेफरेंस दे दे, तो उस केस में फिर ऑडिटर एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। सर दूसरा केस क्या है? सर दूसरा केस ये है कि फर्ज करें कि क्लाइंट ये कहता है कि यार देखो बात सुनो, मैं अपना जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है मैं उसकी नॉन कम्प्लायंस अपनी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए तो नहीं कर रहा, यानी मैनेजमेंट ये कहे कि यार मैं एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि यार मैं तो लीगली ठीक हूँ अपनी तरफ, मुझे तो मुझे जरूरत ही नहीं है करने की, ना मेरा शेयर होल्डर मांग रहा है ना मेरा रेगुलेटर मांग रहा है एडिशनल डिस्क्लोजर, और तुम पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, रिक्वायरमेंट भी है कि तुम्हें ऑडिट ऑडिट अंडरटेक करना है, तो इस केस में तुम अपनी जबरदस्ती की इसमें क्यों रिक्वायरमेंट डाल लो कि यार एडिशनल डिस्क्लोजर डालो। तो इस केस में ऑडिटर एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसको भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मिसलीडिंग नेचर को डालना होगा, बताना होगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट्स हैं, ये मिसलीडिंग नेचर की हैं, पर चूंकि मुझ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑडिट करने की और चूंकि फ्रेमवर्क में हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये फ्रेमवर्क मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये इसमें ये बेसिकली मिसलीडिंग है, इनके नेचर में ये कमी है, और इस बात का जिक्र मैं अपनी रिपोर्ट में ऑडिटर ने करना है। सर ऑडिटर तभी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेगा जब वो अपनी रिपोर्ट में ये जिक्र करेगा मिसलीडिंग नेचर का, और सर ये बात आप टर्म्स में भी डालेंगे, जब जब आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने जा रहे होंगे, एंगेजमेंट लेटर इशू करने जा रहे होंगे, तो ये बात आप पहले से एंगेजमेंट लेटर में डाल देंगे कि मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मिसलीडिंग नेचर को आइडेंटिफाई करूंगा, ये बात आप पहले से ही डॉक्यूमेंट कर लेंगे। सर अगर ये आपने इतना कर लिया है तो इवन दो कि आपको एंगेजमेंट आपको रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सर ये दो कंडीशन, दो एक्सेप्शन हैं एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। अच्छा सर सवाल आ सकता है, पास पेपर्स में जो सवाल आए हैं जिस तरह से, सर उसमें वो ये कहता है कि आप ये बता दें कि एज पर आयदा 210 व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द ऑडिटर टू एक्सेप्ट एन ऑडिट और टू कंटिन्यू एन ऑडिट। आप उसमें बता देंगे कि प्री कंडीशन मौजूद होनी चाहिए और कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स होनी चाहिए। सर उसके बाद ये भी अभी इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि वन ऑफ द प्री कंडीशन रिक्वायरमेंट इज दैट द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क शुड बी एन एक्सेप्टेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, व्हाट आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल्स। तो इस तरह का भी सवाल आ सकता है, तो उसमें आपने ये दोनों एक्सेप्शन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है। अच्छा सर मैंने आपको जो चार्ट बना के समझाई है इसमें बहुत ईजी कर दिया है और आप इस चार्ट से रिटेन कर सकते हैं, बस आपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है, जो जो मैंने इसमें बात लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ये बात लिख के आनी है, इतनी बातें हमने लिख के आनी है तो आप मार्क्स स्कोर करेंगे और इसमें सारे कीवर्ड्स हैं वो आपने रिटेन करने हैं। अच्छा सर ये तो बेसिकली हमारी प्री कंडीशंस की बात हो गई, जो हम प्री कंडीशंस हम बात करें, प्री कंडीशंस में भी दो चीजें थी सर, प्री कंडीशंस में एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क था और दूसरा सर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नोलेज कर रही है। सर दूसरी जो रिक्वायरमेंट थी वो बेसिकली एग्रीमेंट की थी, यानी जो सब बातें हुई है सब रिटन फॉर्म में ले आए, यानी एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। सर इस रिटन एग्रीमेंट के कॉन्टेंट्स क्या होंगे ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, सर सर हमने बात की कि जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है इसका एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो सर ये ऑडिटर इस बात का तयन कैसे करेगा कि जो भी क्लाइंट का एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो उसके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है? तो सर उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑर्डर देखेगा, इसकी बेसिस पे उस बात का तय कर लेगा कि ये उसको एक्सेप्टेबल होगा ये फ्रेमवर्क या नहीं। सर सबसे पहले तो ये देखेगा कि नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है। सर फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो वो ये देखेगा फ्रेमवर्क में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से पर्टेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं IS2 है, इन्वेंट्रीज का है, IS16 है, property, plant and equipment, यानी वो framework जो है वो industry के requirements को cater कर रहा है या नहीं कर रहा reporting requirements को, सबसे पहले वो देखेगा। सर तो दूसरा ये देखेगा कि जो reporting framework, जो financial statements हैं entity की, इसका मकसद क्या है, किन के लिए बनी है, इसके shareholders कौन है, ये किन के लिए बनी है, shareholders के लिए बनी है, general public के लिए बनी है, specific user के लिए बनी है, किसके लिए बनी है, उसकी requirements क्या है। सर दूसरी बात, सर तीसरी बात ये है कि नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, यानी वो ये देखेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है ये जनरल सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी तमाम कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल है इसमें, या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट शामिल है, फॉर एग्जांपल पीएनएल का कंपोनेंट है या सिर्फ बैलेंस शीट है या सिर्फ कैश फ्लोज है, स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट हो रहा है या जनरल सेट तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंबाइंड ऑडिट हो रहा है। सर ये हम बाद में देखेंगे कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स का भी, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट होता है, ये आगे की चीज है, लेकिन ये बातें ऑर्डर को हेल्प करती हैं एक्सेप्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में। सर आखिर में ये देखेगा कि लॉज एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट क्या है, लोकल लॉज आपके क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे
हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल है, हमें बार इस ऑडिटर को पता होना चाहिए कि फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट क्या है, और चूंकि ये हमारे फ्रेमवर्क का हिस्सा है तो अगर ऑडिटर को पता होगा की रिक्वायरमेंट क्या है और उससे एग्री करेगा तो एक्सेप्टेबिलिटी उसकी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो सर ये अगर सवाल आ जाए कि भाई ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, क्योंकि अगर एक्सेप्टेबिलिटी होगी तभी प्री कंडीशन मौजूद होगी, तभी प्री कंडीशन मेट होगी, तो आप ये बातें लिख सकते हैं। अच्छा सर ऐसा भी हो सकता है, एक केस है, तो फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने आपको ऑफर दी अपॉइंटमेंट के लिए, ऑफर दिया भी ठीक है। अच्छा आपको पता है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको पता है इनका प्लांट है, इन्वेंट्रीज होती है इनके पास, ये WIPP के फॉर्म में होती है, फिनिश गुड के फॉर्म में होती है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में होती है। अच्छा सर आप जो है ना अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि इन्हें एंगेजमेंट लेटर देना है या नहीं देना, सर आपको ये बात पता लगी आपकी जो कि फोन पे कम्युनिकेशन हो रही है, क्लाइंट से कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, क्लाइंट ने कहा हम आपको सब चीजें देंगे बस सर हम आपको स्टॉक वेरीफाई नहीं कराएंगे, यानी स्टॉक से रिलेटेड कोई चीज नहीं देंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि यार मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में अगर स्टॉक ही क्लाइंट वेरीफाई नहीं कराएगा तो फिर आप करेंगे क्या ऑडिट में, और क्लाइंट ये कह रहे यार हमने तुम्हें ऑफर दे दिया आ जाओ ना, तो आपको ये पता है कि अगर आप ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके ऊपर एक ऐसी लिमिटेशन क्लाइंट ने डाल दी है स्टार्ट होने से पहले ही कि आप जाके ऑडिट नहीं कर सकते। तो इस केस में आएगा 210 ये कहता है कि अगर इस तरह की कोई लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन एंगेजमेंट स्टार्ट होने से पहले, को एंगेजमेंट कब स्टार्ट होती है, एंगेजमेंट स्टार्ट होती है जब आप एक्सेप्टेंस दे दें, एंगेजमेंट लेटर दे दें, उसके बाद एंगेजमेंट एक्सेप्ट होगी। अगर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन क्लाइंट ने पहले से ही डाली हुई है तो आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करनी है, आपने जाना ही नहीं है क्लाइंट के पास, आपने एक्सेप्टेंस देनी नहीं है, बस सिंपल रखना है इस बात को कि एंगेजमेंट में अगर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन, प्रपोज्ड एंगेजमेंट में, अभी एंगेजमेंट हुई नहीं है, देखो एंगेजमेंट में और प्रपोज्ड एंगेजमेंट में फर्क है, प्रपोज्ड एंगेजमेंट में मतलब ऑफिशियली भी बाइंडिंग नहीं हुई है दोनों के दरमियान, अभी स्टार्ट नहीं हुआ ऑफिशियल वर्क, तो इस तरह की प्रपोज्ड एंगेजमेंट को आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इस तरह की एंगेजमेंट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा सर आपको ये बात पता होनी चाहिए अभी इस स्टेज में कि सर अगर आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो जब आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली तो उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट इशू करते हैं। सर जरूरी नहीं है कि रिपोर्ट हमेशा क्लियर हो, सर रिपोर्ट जो है ना मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकती है, क्लीन भी हो सकती है, मॉडिफाइड भी हो सकती है, डिस्क्लेमर भी दिया जा सकता है और एडवांस ओपिनियन भी दिया जा सकता है, यानी कि जो बात बतानी है कि अगर एंगेजमेंट लेटर इशू हुआ है और आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू की है, इन दी एंड आपने अगर कोई रिपोर्ट इशू की है तो उसमें डिस्क्लेमर भी हो सकता है, यानी आप ओपिनियन को डिस्क्लेम कर सकते हैं कि हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे सर, लेकिन आप रिपोर्ट इशू कर रहे हैं तो रिपोर्ट का इशू होना एक अलग मैटर है। अगर हम इसको कंपेयर करें विड्रॉल से, फॉर एग्जांपल एक एंगेजमेंट ऑर्डर एक्सेप्ट करता है समहाउ, बाद में क्लाइंट कह देता है, बाद में कहता है क्लाइंट, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद कहता है क्लाइंट कि सर मैं आपको स्टॉक वेरीफाई नहीं करूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कह देता है कि यार उस वक्त मैंने आपको बेवकूफ बनाया था, उस वक्त मैंने ये बात नहीं कही थी, मैं अब आपको जो है ना स्टॉक नहीं वेरीफाई करूंगा, तो सर इस केस में भी बात वही होगी कि सर मेरे पास ऐसी स्कोप लिमिटेशन आ गई कि मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन सर इस केस में मैं विड्रॉ करूंगा एंगेजमेंट से, मैं विड्रॉ करूंगा, इस केस में मैं रिपोर्ट इश्यू नहीं करूंगा, मैं इस केस में विड्रॉ करूंगा। सर पहला क्या केस था, पहला केस ये था कि मैंने एंगेजमेंट लेटर इश्यू होने से पहले ही कह दिया कि यार ये तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है कि मैं तो स्टॉक वेरीफाई नहीं कर सकता, जाओ मैं एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा केस ये था कि एंगेजमेंट मैंने एक्सेप्ट कर ली थी लेकिन बाद में क्लाइंट ने इस तरह की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की, तो उस केस में मैं एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लूंगा। सर जब मैं एंगेजमेंट से विड्रॉ करूंगा तो मैं कोई ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करूंगा, सर ये फर्क है बताने का, कोई जब मैं एंगेजमेंट से विड्रॉ करता हूँ तो सर इसका मतलब ये कि मैंने पहले ना कभी मैंने एंगेजमेंट एक्सेप्ट की थी, जब मैं विड्रॉ कर गया तो सर मैं ऑडिट रिपोर्ट इश्यू नहीं करूंगा, ये जनरल बात है जो आप इस स्टेज पे याद रखना। लेकिन सर अगर मैं डिस्क्लेमर देता हूँ ऑडिट रिपोर्ट, मैं अगर रिपोर्ट में डिस्क्लेम करता हूँ तो इसका मतलब ये कि मैं ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करता हूँ। ये सर हम बाद में देखेंगे रिपोर्टिंग स्टेज की चीजें, लेकिन ये मिसकंसेप्शन रहती है रिपोर्टिंग स्टेज तक जाने में, तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी। आयजा 210 जो है ना यार वो प्लानिंग स्टेज का है, और बेसिकली प्लानिंग स्टेज से भी पहले की चीज है, यानी आपने फॉर्मली प्लानिंग जब आप स्टार्ट करेंगे, जब आईएसओ 210 से आप आईएसओ 210 को क्रॉस कर लेंगे, आईएसओ 210 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे, यानी फॉर्मल प्लानिंग जो होती है ना क्लाइंट की, प्लानिंग स्टेज में हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो आपकी आईएसओ 210 के बाद होती है, या जब आईएसओ 210 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, एंगेजमेंट की एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट हो जाती है, देन आपकी फॉर्मल ऑडिट की प्लानिंग स्टार्ट होती है, तभी हमने इसको प्लानिंग फेज में रखा है। सर यहाँ तक बात क्लियर है, ये बहुत सिंपल था, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है।
सर हम आ जाते हैं सर, हमने देख लिया प्री कंडीशंस ऑफ द ऑडिट सर, बहुत सिंपल थी, एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, मैनेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, उसकी कुछ एक्सेप्शन थी एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल सर। दूसरा ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स होनी चाहिए, यानी एग्रीमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। और आपको सबको पता है, आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा, आपने पर्सनल लॉ पढ़ा है कि एग्रीमेंट क्या होगा, एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज के काउंटर साइन होते हैं तभी वो एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट एक पार्टी की तरफ से नहीं होता, एग्रीमेंट दो पार्टीज की तरफ से होता है, दोनों पार्टीज के काउंटर साइन होते हैं एग्रीमेंट के ऊपर। सर क्यों होता है एग्रीमेंट पे दोनों पार्टीज के साइन क्यों लिए जाते हैं? सर सिंपल सी बात है, ताकि कोई भी पार्टी अपनी बात कही हुई बात से डेविएट ना करे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में ना आए, तभी हम एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं बिटवीन टू पार्टीज। और ऑडिट की अगर हम बात करें, ऑडिट के सिनेरियो में, तो जो टर्म्स को डॉक्यूमेंट करने वाला जो डॉक्यूमेंट कहलाया जाता है, उसको हम एंगेजमेंट लेटर कहते हैं, और वो ऑर्डर की तरफ से क्लाइंट को इश्यू होता है सर, उसमें क्लाइंट के भी साइन होते हैं। अच्छा सर, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सर कि जो एंगेजमेंट लेटर है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए सर? तो इसमें मेन कंपोनेंट्स दो ही होंगे कि ऑर्डर इसमें अपनी बातें कन्वे करेगा, जो वो क्लाइंट से कहना चाह रहा है, यानी क्लाइंट को अपना स्कोप बताएगा, अपना ऑब्जेक्टिव बताएगा कि मैं क्यों ऑडिट करने आया हूँ, मेरा मकसद क्या है ऑडिट का, और मैं क्या काम करूंगा आके। उस स्कोप से अपने अपने काम से आगाह करेगा, अपनी ऑब्जेक्टिव से आगे आगाह करेगा क्लाइंट को, कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसका ऑब्जेक्टिव रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, क्योंकि एफएस में मटेरियल स्टेटमेंट है या नहीं है, इस बात को देखना है। अच्छा सर, ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बताएगा कि सर वो ऑडिट किस तरह कंडक्ट किया उसने, उसने कौन सा एजाज फॉलो किए, इस तरह की बातें करेगा, अपनी उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर। उसके बाद ऑडिटर बताएगा मैनेजमेंट को कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर। ये वही पांच रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये वही पांच रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसपे मैनेजमेंट की हम एक्नोलेजमेंट लेते हैं, वो प्री कंडीशन में ही आती है सर। उसकी उस एक्नोलेजमेंट को अगर हम रिटन फॉर्म में ले आए, मैनेजमेंट जो है वो यस करते, यस वी आई एक्नोलेज, और अपना साइन करते, तो बेसिकली मैनेजमेंट के पार्ट पे एक्नोलेजमेंट हो गई, और एक्नोलेजमेंट को हम रिटन फॉर्म में ले आए तो एंगेजमेंट लेटर के कॉम्पोनेंट बन जाएंगे सर। उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं कि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुम्हें सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बनाना है, फ्रॉड एरर को प्रिवेंट डिटेक्ट भी तुम्हें करना है, तुमने हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, और तुमने हमें रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन भी देनी है अगर जब भी हमें जरूरत हो सर। नंबर फोर कॉम्पोनेंट सर, इस एंगेजमेंट लेटर में हमने जो ऊपर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखा है ना, इसका भी जिक्र होगा सर। क्या मतलब सर? इसका मतलब ये है कि ऑडिटर यहाँ पे मेक श्योर करेगा, क्लाइंट को बावर कराएगा कि भाई तुम्हारा यही रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, इसी यही क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे तुम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, यानी आइडेंटिफाई करेगा। जैसे पाकिस्तान में आईएफआरएस है और कंपनीज एक्ट है, तो ये कह देगा भाई वी अंडरस्टैंड दैट यू आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ आईएफआरएस एंड फाइनेंशियल शेड्यूल एज दिस इज द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान, ये बात करेगा। अच्छा सर, फिफ्थ बात, अच्छा ये इसलिए कर रहा है ताकि कल को क्लाइंट ये ना कह दे यार ये रिक्वायरमेंट तो आईएफआरएस की थी नहीं, तो आप ये तो हमारी रिक्वायरमेंट, ये तो आप समझे ही नहीं, आप हमसे खाम खा में बहस कर रहे हैं। तो जब क्लाइंट पहले से ही साइन कर लेगा कि हाँ आईएफआरएस को की बेसिस पे मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, तो फिर बाद में डेविएट कैसे करेगा, पीछे नहीं हटेगा अपनी किसी बात से, ठीक है सर। फिफ्थ कॉम्पोनेंट ये होगा कि मैं क्लाइंट को ये बता दूंगा कि यार मेरी जो फाइनल रिपोर्ट होगी ना, ऑडिट रिपोर्ट, उसका कॉन्टेंट और फॉर्मेट इस तरह से होगा, उसकी वर्डिंग इस तरह से होगी, और यूजली हम क्लीन रिपोर्ट का एक फॉर्मेट डाल देते हैं, उसमें बता देते हैं हमारा ओपिनियन का फॉर्म कैसे होगा सर। सिक्स स्टेटमेंट हमारी होगी कि हम एक अपनी रिजर्वेशन, एक बड़ी लाइन एक टाइप की डालेंगे कि हम ये कहेंगे कि सर ये इवन दो कि हम 0.5 में ये कह रहे हैं कि ये हमारा फॉर्म और कंटेंट होगा, लेकिन हमारी फाइनल रिपोर्ट इससे हटके भी हो सकती है, यानी अगर कोई मिस स्टेटमेंट पकड़ लेता है ऑडिटर, तो बाद में उसका वो फॉर्मेट चेंज करेगा, तो एक इस तरह की रिजर्वेशन की एक लाइन डाल देगा कि भाई फॉर्म और कॉन्टेंट जो मेरी फाइनल रिपोर्ट की है ना, वो 0.5 से चेंज हो सकती है। तो सर ये सिंपल से कॉम्पोनेट्स हैं, बेसिक सिक्स कॉम्पोनेट्स हैं, इन कॉम्पोनेट्स का एंगेजमेंट लेटर में होना जरूरी है। और क्या सर, इसकी ये सिर्फ यही कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा कंपोनेंट भी नहीं हो सकते सर, एडिशनल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, होने भी चाहिए सर। सिर्फ क्लाइंट को यही थोड़ी बताना है सर, क्लाइंट को ये भी बताना है कि ऑडिट टीपी टीम कब ऑडिट करने आएगी, क्या क्या डिलीवरेबल्स लेने होंगे, ड्राफ्ट की अवेलेबिलिटी, ड्राफ्ट एफएस की अवेलेबिलिटी कब होगी सर। ये भी बताना होगा क्लाइंट को कि ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होती सर। ये भी बताना होगा कि क्लाइंट ने अरेंजमेंट करवानी है विद रिगार्ड टू कम्युनिकेशन विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर, जिम्मेदारी है कि वो ऑर्डर को सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में आगाह करे, ये क्लाइंट की जिम्मेदारी होगी। अच्छा, बिलिंग के बारे में बताना होगा कि बिलिंग की अरेंजमेंट क्या होंगी, किस बेसिस पे ऑर्डर जो है वो बिलिंग करेगा, किस बेसिस पे वो चार्ज करेगा, ऑर्ली रेट होगा क्या होगा,
इस तरह की मुख्तलिफ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स बतानी होंगी सर। ये भी ऑडिटर यूजली डालता है कि हम हमारे जो वर्किंग पेपर्स होंगे ये हम थर्ड पार्टी से भी शेयर कर लेंगे जिसमें आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा। कुछ केसेस में जहाँ लीगली रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपका डेटा दूसरी बॉडी से शेयर करेंगे। इस पे क्लाइंट से ऑडिटर शुरू में ही इस पे एक्नॉलेजमेंट ले लेगा ताकि अगर बाद में अगर ऑडिटर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज शेयर भी कर दे या प्रेडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट कर दे तो क्लाइंट आके जो है ना ऑडिटर से ना पूछे कि यार आपने हमारी मर्जी के बगैर आपने इस तरह की बात क्यों की, कम्युनिकेट क्यों किया या हमारी इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर क्यों की। तो बेसिकली ऑडिटर अपने स्टेक को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये चीजें पहले ही टर्म्स में डाल देता है ताकि बाद में सब्सिक्वेंटली क्लाइंट उस पर उंगलियां ना उठाए और ये ना कहे कि यार ये चीज तो पहले से हमारे दरमियान तय ना थी और इस तरह ये आप गलत कर रहे हैं, आप इस तरह से ना करें। तो बेसिकली टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑडिटर ये सब चीजें एंगेजमेंट लेटर में डालता है। अच्छा सर, अगर कभी सवाल आ जाए कि यार एंगेजमेंट लेटर में जो मैंडेटरी कॉम्पोनेंट्स हैं इनके अलावा क्या क्या एडिशनल कॉम्पोनेंट्स हैं जिनका जिक्र होना चाहिए, जो डालने चाहिए, जो ऑडिटर डाल सकता है, सर वो ये एडिशनल मैटर्स जो है ना ऑर्डर कम्युनिकेट कर सकता है ये पास पेपर्स में आए, तो सर इसका ख्याल रखिएगा, ये पढ़ के जाइएगा और कोई भी चीज़ रेलेवेंट नहीं लिखना। इसमें से अच्छी खासी चीजें तुम रिटेन कर सकते हो और कुछ चीजें इसमें अभी शायद इस स्टेज पे समझ में ना आए, जैसे कि ऑडिट मैटर्स हैं, कि रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की इम्प्लीकेशन है, रिपोर्टिंग स्टेज पे जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अभी बस सिर्फ आपकी स्टेज ये है कि आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं और फॉर्मल एक्सेप्टेंस अभी हुई नहीं, होने जा रही है, आप उन टर्म्स को डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है सर, सर यहाँ तक तो बात सिंपल है, सर आगे बढ़ते हैं। सर अब आ जाते हैं ग्रुप ऑडिट्स पे। सर एक मिसाल लेते हैं, मिसाल से आसानी से समझ में आता है। सर आप सबको पता है पाकिस्तान में आईसीआई पाकिस्तान बहुत बड़ा नाम है, सर ये एक होल्डिंग कंपनी है, सर आपको पता है कि इसकी मल्टीपल सब्सिडरीज हैं। हम एक सब्सिडी ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लॉटे पीपीटी है, लॉटे पीपीटी प्योर थेराजेलिक एसिड पीवीसी पाइप्स का मटेरियल बनाते हैं। अच्छा सर ये इसकी सब्सिडी है लॉटे लॉटे पाकिस्तान आईसीआई की। अच्छा सर आईसीआई के शेयर होल्डर्स ने एजीएम में फर्ज करें केपीएमजी को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, ठीक है, उनकी ऑफर दे दी। अब सर केपीएमजी क्या करेगा, केपीएमजी ये डिसाइड करेगा कि मुझे इसको एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, एक्सेप्टेंस देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। सर आप सबको ये पता है कि आईसीआई के ना सर दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसका केपीएमजी ऑडिट करेगी। सर एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है आईसीआई की अपनी होल्डिंग कंपनी के अपने सेपरेट, और सर दूसरे आईसीआई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा एज पर कंपनीज एक्ट, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी है। तो सर आपको ये पता है कि आईसीआई का जो ऑडिटर होगा जो उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेगा वही उसी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेगा, सर ये कहाँ लिखा है, ये कंपनीज एक्ट में लिखा है। अच्छा सर यहाँ तक बात सिंपल है, सर इस केस में केपीएमजी एंगेजमेंट लेटर इशू कर देता है फॉर एग्जांपल आईसीआई को, तो सर बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कोई ऐसी बात ऐसी नहीं है। अच्छा सर अब बात आ जाती है लॉटे पीपीटी पे। अच्छा सर लॉटे पीपीटी एक सेपरेट एंटिटी है पाकिस्तान के अंदर और सर आपको पता है क्योंकि ये कंपनी है तो इसका भी ऑडिट होगा, तो सर इसका ऑडिटर जो है ना वो कोई भी हो सकता है, सर इसका ऑडिटर के फर्गुसन हो सकता है, डेलॉयट हो सकता है। तो सर अगर कोई दूसरा ऑडिटर होगा तो सर वो अगर उस लॉटे पीपीटीए के मैनेजमेंट के शेयर होल्डर जो है उसको अपॉइंटमेंट की ऑफर देते हैं, तो वो अगर ऑडिटर आना चाहता है दूसरा ऑडिटर वो एंगेजमेंट लेटर इशू कर देगा और ऑडिटर बन जाएगा इसका आगे, तो सिंपल इसमें कोई बात ऐसी नहीं है। सर ट्विस्ट उसमें तब आएगा जब लॉटे पीपीटीए के शेयर होल्डर केपीएमजी को ही कहते हैं कि यार तुम भी हमारे ऑर्डर बन जाओ। तो इस केस में इस सिनेरियो में सवाल ये पैदा हो रहा है कि केपीएमजी ग्रुप ऑडिटर तो है, उसने एक एंगेजमेंट लेटर पेरेंट को भेज दिया है, तो क्या उसको सब्सिडरी के लिए इस केस में सेपरेट एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, सवाल ये है। तो इस सिचुएशन को जो है ना, इस सिचुएशन को एड्रेस कर रहा है ये हमारा सेपरेट एंगेजमेंट लेटर का जो हमारा पैर है ना। तो सिनेरियो ये है कि क्या ग्रुप एंगेजमेंट ऑडिटर को सब्सिडरीज के लिए सेपरेट एंगेजमेंट लेटर भेजने चाहिए या नहीं चाहिए, या जो ग्रुप ऑडिटर ग्रुप जो पेरेंट को एंगेजमेंट लेटर भेजा है वो सफिशिएंट है या नहीं, सवाल ये। सर इस बात का तायुन केपीएमजी जो है ना कुछ फैक्टर्स की बेसिस पे करेगा, यानी केपीएमजी डिसाइड करेगा कि ये फैक्टर्स देखेगा, अगर ये फैक्टर्स होंगे तो सेपरेट एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, फैक्टर्स की बेसिस पे तायुन करेगा। सर सबसे पहले केपीएमजी देखेगा कि उसको अपॉइंट किसने किया है,
तो सर सबसे पहले ये देखेगा कि अगर लॉटे पीपीटीए में अपॉइंटमेंट की है तो उसका शेयर होल्डर कौन है, और डायरेक्ट लॉटे पीपीटीए ने अपॉइंटमेंट की है, सब्सिडियरी ने अपॉइंटमेंट की है, या पेरेंट ने कर दी। ये तो अब केस केस टू केस है, इसमें जेनेरिक बातें लिखी है, यानी अपॉइंटमेंट किसने की है केपीएमजी की सब्सिडियरी में एज ऑडिटर, सर पहला केस, पहला फैक्टर। सर दूसरा फैक्टर ये, दूसरा हम ये देखेंगे कि क्या लॉटे पीपीटीए को सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी। हाँ सर, हमारे सिनेरियो में तो दी जाएगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। रिपोर्ट सेपरेट रिपोर्ट दी जाएगी नहीं जाएगी ये देखा जाएगा। सर ये देखा जाएगा कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या है ऑडिट से रिलेटेड, यानी हमारे लोकल लॉस। अब मेन बात की कि हमारे लोकल लॉस क्या कहते हैं, कि लोकल लॉस के तहत कौन ऑडिटर होगा कौन नहीं हो सकता है, लीगल लॉस को भी देखा जाएगा। सर ये देखा जाएगा कि आईसीआई पाकिस्तान का कितना ओनरशिप स्टेक है लॉटे पीपीटीए, यानी पेरेंट का सब्सिडियरी में कितना स्टेक है। कंट्रोलिंग स्टेक के अलावा भी तो हो सकता है ना, कंट्रोलिंग स्टेक तो 51% और आपकी अगर मेजोरिटी हो तो डायरेक्टर्स हैं तो कंट्रोलिंग स्टेक होता है, लेकिन इसके अलावा भी डिग्री देखी जाएगी क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 100% ओन तो नहीं है। और सर फिर ये भी देखा जाएगा कि जो सब्सिडियरी है ये अपने डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट है पेरेंट से या नहीं, या पेरेंट ही आके, पेरेंट का बोर्ड ही आके हर डिसीजन लेता है। तो सब इन सब बेसिस की, इन सब फैक्टर्स की बेसिस पे ये ऑडिटर केपीएमजी ग्रुप ऑडिटर तयन करेगा कि सेपरेट एंगेजमेंट लेटर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। अच्छा सर, पाकिस्तान में ग्रुप एंगेजमेंट लेटर जो है ना वो हर सब्सिडियरी को सेपरेट एंगेजमेंट लेटर भेजता है। पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हर सब्सिडियरी जो एक सेपरेट एंटिटी है, और चूंकि एक हद तक पेरेंट का कंट्रोल होता है और ऑब्वियसली दूसरे स्टेक होल्डर्स भी होते हैं इसमें, शेयर होल्डर्स भी होते हैं, और जितनी भी ग्रुप कंपनीज हमारी हैं पाकिस्तान में ये इनकी सब्सिडीज भी लिस्टेड है, तो पब्लिक स्टेक भी होता है। तो इस केस में हर सब्सिडी को ग्रुप ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर सेपरेट भेजता है। ये आपको पाकिस्तान का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ। सर ये भी क्लियर है, अगर इस तरह का कोई सवाल आता है तो आपने फैक्टर्स बता देने। देखो यार ये है ना ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, ये तुम्हें सिर्फ बता रहा है कि सिनेरियोस क्या है और उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये प्लानिंग की स्टेज के वक्त है और अभी ऑडिटर ने फॉर्मली जाके काम स्टार्ट नहीं किया, काम स्टार्ट करने से पहले की रिक्वायरमेंट है। तो सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, अभी तक तो हमने जो डिस्कस किया उसमें यही देखा है कि पहला साल है ऑडिट का और ऑडिटर जो है ये डिसाइड कर रहा है कि एंगेजमेंट लेटर भेजना है या नहीं भेजना। सर थोड़ा सिनेरियो को फेवरेबल करते हैं, ये देखते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि फर्ज करें कि जो क्लाइंट था ना ये पुराना क्लाइंट था और 4-5 सालों से क्लाइंट करता आ रहा था। तो सर आपको पता है कि हर साल का सेपरेट ऑडिट होता है, हर साल की सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट जाती है। तो ये इस बात का डिसाइड करना कि हर साल चूंकि सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, हर साल सेपरेट ऑडिट होना है, तो क्या हर साल ऑडिटर जो है उसको सेपरेट एंगेजमेंट लेटर भेजना है या नहीं भेजना रिगार्डिंग ऑडिट्स के केस में, यानी कि सेम ऑडिटर जो है ओवर द ईयर चलता आ रहा हो और अगले पीरियड भी वही ऑडिटर हो। तो इस बात ये बेसिकली डिसाइड करना कि जो रिकरिंग ऑडिटर है वो हर साल के लिए सेपरेट एंगेजमेंट लेटर या हर साल के लिए नया एंगेजमेंट लेटर इशू करे या ना करे, ये कैसे डिसाइड करेगा। तो सर इसमें ऑडिटर को बेसिकली यहाँ ये डिसाइड करना है कि उसने नया एंगेजमेंट लेटर भेजना है या नहीं भेजना, विदर टू सेंड न्यू एंगेजमेंट लेटर फॉर रिकरिंग ऑडिट्स ऑन नॉट, ये यहाँ बेसिकली ये सवाल है। तो सर इस सवाल का जवाब ये है कि ऑडिटर को ये देखना होगा कि जो टर्म्स पहले डिसाइड हुई थी पिछले ऑडिट्स में, इन टर्म्स को रिवाइज या रिमाइंड कराने की कोई जरूरत तो नहीं है, यानी जो टर्म्स पहले पहले के ऑडिट जो चलते आ रहे हैं, जो क्लाइंट जिनसे एग्री कर रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग है, इस अंडरस्टैंडिंग में किसी रिविजन की जरूरत तो नहीं है या ये अंडरस्टैंडिंग रिमाइंड कराने की जरूरत तो नहीं है। यानी कहने का मकसद ये है कि नया एंगेजमेंट लेटर, न्यू एंगेजमेंट लेटर, न्यू एंगेजमेंट लेटर भेजने की कोई जरूरत तो नहीं है। ऑडिटर इस बात का तायुन करेगा कि देयर इज अ वीदर देयर इज अ नीड टू रिमाइंड और रिवाइज द क्लाइंट और रिमाइंड और रिवाइज द टर्म्स, वीदर देयर इज अ नीड टू रिवाइज और रिमाइंड द टर्म्स क्लाइंट के, क्लाइंट को आपने इस बात का तायुन करना है बीइंग एन ऑडिटर रिकरिंग ऑडिट्स के केस में कि नया एंगेजमेंट लेटर भेजना है या नहीं भेजना। नया एंगेजमेंट लेटर में ऑब्वियसली आप देखें, आप नया एंगेजमेंट लेटर तभी भेजेंगे ना जब आपको ये जरूरत महसूस हो कि आपने टर्म्स को रिवाइज करना है या रिमाइंड कराना है क्लाइंट को। सर रिवाइज का मतलब ये है कि कोई नई डेवलपमेंट आ गई, फॉर एग्जाम्पल फी लेवल चेंज हो गया, फी इंक्रीज हो गई, तो आप रिवाइज कर देंगे एंगेजमेंट लेटर को। सर रिमाइंड कराने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट की मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, नए स्टेक होल्डर, नए शेयर होल्डिंग बदल जाती है, तो जो नया शेयर होल्डर आएगा वो अपनी अपनी मैनेजमेंट लाएगा, तो उनको उनको जो है उनको बताने के लिए, रिकॉल कराने के लिए कि सर ये हमारी टर्म्स थी, तो आप नया एंगेजमेंट लेटर भेज सकते हैं।
यहाँ रिकरिंग ऑडिट्स में न्यू एंगेजमेंट लेटर की कंसिडरेशन होती है, न्यू ईएल का जिक्र होता है, न्यू एंगेजमेंट लेटर। अच्छा सर, सर फर्ज कर लें एक सिनेरियो लेते हैं, सर एक ऑडिटर है, वो अपनी एजीएम में अपॉइंट हो जाता है, क्लाइंट उसको एजीएम में अपॉइंट कर लेता है फॉर एग्जाम्पल, और आपको पता है कि ऑर्डर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक एजीएम से लेकर दूसरी एजीएम तक, यानी नेक्स्ट एजीएम तक ऑर्डर अपॉइंट होता है एज पर कंपनी। तो सर ऑर्डर अपॉइंट हो गया और अगर वो एक्सेप्टेंस देता है तो एंगेजमेंट लेटर भेज देता है सर, यहाँ तक बात क्लियर है, यानी अगले साल तक का वो ऑर्डर बन जाता है। सर दूसरे एजीएम में ये सेम ऑर्डर दोबारा अपॉइंट हो जाता है, सेम ऑर्डर गेट्स अपॉइंटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो सर ये रिकरिंग ऑडिट कहलाएगा। सर अब इस रिकरिंग ऑडिट में न्यू एंगेजमेंट लेटर देना है नहीं देना, जो हमारा सवाल था रिकरिंग ऑडिट के अंदर, दो हजार फॉर द ईयर फॉर एग्जाम्पल 2020 में न्यू एंगेजमेंट लेटर देना है नहीं देना, सर ऑडिटर इस बात का तयन कैसे करेगा? ऑडिटर को देखना होगा, ऑडिटर नीड्स टू असेस विदर टर्म्स, जो टर्म्स जो एग्रीड पहले थी इनमें रिविजन की जरूरत है या इनको रिमाइंड कराना है, ये ऑडिटर असेस करेगा। सर ये ऑडिटर कैसे असेस करेगा, इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए? सर ऑडिटर ये देखेगा कि कहीं कोई क्लाइंट को मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई विद रिगार्ड्स टू द टर्म, क्लाइंट भूल तो नहीं गया, दोबारा रिमाइंड कराने की जरूरत तो नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं भूल गया, या सर कोई कोई रिसेंट चेंज तो नहीं आ गई मैनेजमेंट के अंदर, सीनियर मैनेजमेंट के अंदर, जिसकी वजह से दोबारा रिमाइंड या रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओनरशिप स्टेक ही बदल गया, यानी जिसकी कंपनी थी कोई दूसरा ओनर बन गया, तो उसकी भी नॉलेज में लाना जरूरी है। अच्छा एक बात आपको बता दूं कि जब आप एंगेजमेंट लेटर भेजते हैं ना, तो यार एंगेजमेंट लेटर जो एड्रेस कर रहा होता है ना, ये एड्रेस कर रहा होता है क्लाइंट की मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर को नहीं कर रहा होता है, याद रखना, ये एड्रेस कर रहा होता है क्लाइंट की मैनेजमेंट को, यानी दो चार विद गवर्नमेंट, शेयर होल्डर को नहीं कर रहा होता है, याद रखना। लेकिन अगर मुझे पता लग गया मैं ऑडिटर हूँ, मेरा रिकरिंग ऑडिट है और मेरे क्लाइंट की ओनर बदल गया है, यानी उसका शेयर होल्डर बदल गया, तो तब भी मैं क्लाइंट को ही दोबारा भेजूंगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्लाइंट जो है ना उसने अपनी वो मैनेजमेंट चेंज कर चुका होगा। अच्छा सर मैं ये भी देखूंगा कि क्या कहीं कंपनी का साइज में नेचर में कोई चेंज तो नहीं आई है, कोई फॉर एग्जाम्पल पहले बिजनेस जो था सिर्फ ट्रेडिंग का था, मैन्युफैक्चरिंग का प्लस मैन्युफैक्चरिंग का हो जाए तो उसमें चेंजेस आ सकती हैं बिजनेस के डायनेमिक्स में ना, तो उस तरह की अगर कुछ चेंजेस आती हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस के साइज शेप में या नेचर में, तो आपने दोबारा एंगेजमेंट लेटर एहतियातन आप भेज दें। सर ये देखेंगे कि कहीं कोई लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं आ गई, फॉर एग्जाम्पल एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपोर्टिंग स्टेज में जो होती है उनमें कोई चेंजेस आ जाए, ये हम देखेंगे रिपोर्टिंग स्टेज में, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी अगर कोई चेंज आती है ना, तो उस केस में भी आप रिकरिंग ऑडिट्स के अंदर न्यू एंगेजमेंट लेटर देना प्रेफर करते हैं। अच्छा सर सबसे इम्पोर्टेंट बात, सर अगर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर चेंज आ जाए, यानी जो क्राइटेरिया है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, इसी में कोई बहुत बड़ी चेंज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आईएफआरएस 16 है, उसने लीज को बिल्कुल रिक्लासीफाई कर दिया, लीज की ट्रीटमेंट जो थी जो पहले थी आई 17 जो हमारा ओल्ड लीज से डीलिंग करने वाला स्टैंडर्ड था, अब उसको रिप्लेस कर दिया आई एफ एस 16 में, तो बिल्कुल उसकी जो है उसकी उसकी अकाउंटिंग और उसकी सारी प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो गई है। तो इस तरह की अगर कोई बहुत बड़ी स्टैंडर्ड के अंदर चेंज आ जाए जिसकी वजह से एनटीडीसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल इंपैक्ट आए, इवन दो कि आपका रिकरिंग ऑडिट चल रहा है, लेकिन आपने इस केस में फिर आपने एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना है, न्यू एंगेजमेंट लेटर भेजना है, ठीक है ना, ताकि क्लाइंट को मिसअंडरस्टैंडिंग ना ले ले और आप नए टर्म्स को डॉक्यूमेंट कर सकें। अच्छा सर इसके अलावा अगर कोई और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंज आ जाए, कोई भी बात ऐसा, देखो ऑडिटर ने ना मुहतात रहना है, मुहतात रहेगा तो रिकरिंग ऑडिट्स में ये चीजें देखते हुए नया एंगेजमेंट लेटर भेज देगा। अच्छा सर यहाँ पे सीन ये हो रहा है रिकरिंग ऑडिट में कि ऑडिटर खुद डिसाइड कर रहा है कि उसको टर्म्स को रिवाइज करना है या रिमाइंड करना है, क्लाइंट आके उससे नहीं कह रहे कि यार मेरी टर्म्स को तुम रिवाइज कर दो या मुझे नया एंगेजमेंट लेटर भेज दो, क्लाइंट आके आपसे नहीं कह रहा है, क्लाइंट इज नॉट आस्किंग हियर टू चेंज द टर्म्स, ऑडिटर खुद डिसाइड कर रहा है, ऑडिटर अपने रिस्क को देख रहा है यार कि ऐसा तो नहीं है कि टर्म्स में चेंज होना जरूरी है और मैंने नहीं भेजा, ठीक है, तो एक्शन जो है ना इज फ्रॉम द ऑडिटर नॉट द क्लाइंट। सर ये भी तो हो सकता है, सर ये भी तो हो सकता है कि क्लाइंट आपसे कह दे कि यार मुझे टर्म्स जो मैंने आपसे इनिशियली एग्री की थी यार इस टर्म्स को जो है ना इस टर्म में थोड़ी इसके टर्म्स को थोड़ा चेंज कर लो, ठीक है ना, जब क्लाइंट आपसे एक दफा जो टर्म्स एग्रीड हो जाए उसके बाद अगर आपसे चेंज रिक्वेस्ट करे तो उसको डिफरेंट सिनेरियो, वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होगा, वही सिनेरियो नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है, उसको भी स्टैंडर्ड कैटर कर रहा है। तो सर अगर क्लाइंट आपसे आस्क कर दे आप ऑडिटर हैं आपका टर्म कंप्लीट नहीं हो, यानी आपने वो एंगेजमेंट पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं की और बीच में आके ऑडिटर क्लाइंट कहते यार ये टर्म्स को थोड़ा चेंज कर लो, मैंने तुमसे गलती से ये टर्म्स एग्री कर ली,
उस केस में क्या करना है, उस केस में हम देखते हैं, उस केस में हमने ये देखना है कि क्या कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है इस चेंज के लिए जो ऑडिटर जो क्लाइंट हमसे आके रिक्वेस्ट कर रहा है बीच में, यानी एंगेजमेंट मेरी कंप्लीट हुई नहीं है और उसने आके मुझसे रिक्वेस्ट कर ली कि यार ये टर्म थोड़ी सी चेंज कर लें, थोड़ा सा हमारे मतलब की कर लें। तो सर मैं एकदम जो है ना एकदम उसको नो नहीं कहूंगा, मैं पहले देखूंगा कि जो चेंज है, जो चेंज रिक्वेस्ट कर रहा है क्लाइंट मेरा, क्या इसके पीछे कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, यानी कोई बुनियाद है, कोई लॉजिक है, कोई मंतक है या नहीं है। सर देखें ये सिनेरियो क्या है कि मेरी एंगेजमेंट पूरी नहीं हुई, यानी मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं की है, बीच में आके क्लाइंट कहता है यार वो टर्म्स गलत डिसाइड हो गई थी, यार प्लीज मेरे कहने पे जो है ना यार एंगेजमेंट टर्म्स को जरा एक दफा देख लो, यानी हियर इज एक्शन फ्रॉम द क्लाइंट नॉट द ऑडिटर, एक्शन इज फ्रॉम द क्लाइंट। अब सर ये जो है ना क्लाइंट बड़ा फोर्सफुली भी कह सकता है और बड़ा मतलब हम्बली भी आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, और हो सकता है उसकी रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो। सर स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर उसकी रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्लाइंट के पास, सर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आपको क्लाइंट कहता है यार देखो मेरा बिजनेस जो है ना, बिजनेस मेरा पहले फॉर एग्जाम्पल 10 ब्रांचेस थी, अब मेरा बिजनेस छोटा होके 5 ब्रांचेस पे रह गया, तो आप जो है अपनी फीस जो है ना रिड्यूस कर दें, हाफ कर दें, जो पहले आपकी फीस डिसाइड हुई थी वो फीस ज्यादा थी, अब बिजनेस मेरा छोटा हो गया है, तो यार इस केस में एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है क्योंकि ऑर्डर का कम अफोर्ट्स लगेंगे, कम ब्रांचेस पे जाना पड़ेगा, तो उस तरह से देखा जाए तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, यानी फी का लेवल अगर मैं इस बेसिस पे रिड्यूस कर दूं कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का जो है क्लाइंट की ब्रांचेस कम हो गई है, तो इट इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन। तो स्टैंडर्ड ही कहता है कि अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्लाइंट दे रहा है एंड ऑडिटर एग्रीज विद द रीजनेबल विद द जस्टिफिकेशन, देन ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर दें रिवाइज एंगेजमेंट लेटर, आप टर्म्स को रिवाइज कर दें, यानी आप नया एंगेजमेंट लेटर भेज दें, आप नया एंगेजमेंट लेटर भेज दें। सर क्या मतलब, आप उस पुराने एंगेजमेंट लेटर को भूल जाएं और आप नया एंगेजमेंट लेटर भेज दें, आप नया एंगेजमेंट लेटर भेज दें और नए एंगेजमेंट में काम करें, ठीक है, उसको भूल जाए आप, तो टर्म्स को आप रिवाइज कर दें, दोबारा भेज दें कि सर ये आप फॉर एग्जाम्पल फी रिड्यूस किए, फी रिड्यूस करके भेज दें, प्रॉब्लम थोड़ी है, तो इसमें फीस को रिड्यूस किए ना, बाकी तो काम सारा आपका वही है। तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि ओल्ड जो एंगेजमेंट लेटर है उसको भूल जाए और न्यू एंगेजमेंट लेटर इशू कर दें इफ यू एग्री विद द टर्म्स। सर इसके सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, सर ये सिनेरियोस दो तरह के सिनेरियोस हो सकते हैं। सर ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने बताया चेंज इन सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि क्लाइंट का जो है वो ब्रांचेस रिड्यूस हो गई हो। सर ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट ने बेसिकली रिव्यू कराना था और गलती से उसने कह दिया यार हमारा ऑडिट करने आ जाओ, तो बहुत बड़ा फर्क है ना, आप जो एएल इशू एंगेजमेंट लेटर दे रहे हैं वो आप ऑडिट का दे रहे हैं, लेकिन क्लाइंट जो चाह रहा था वो चाह रहा था यार रिव्यू कराना है, बाद में जब हमने डिग आउट किया, हमने इन्वेस्टिगेशन की, तो हाँ यार हमने ये देखा कि यार ये तो बेसिकली रिव्यू होना था, ये तो गलती से ऑडिट इन्होंने ऑडिट का करवा लिया हमसे, इनको 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 मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इन्होंने हमसे गलत कम्युनिकेट किया, तो हमें इसकी रीजनेबल जस्टिफिकेशन समझ में आ रही है और हम रिव्यू उनका कर देते हैं, तो इस केस में आप रिव्यू का लेटर दे देंगे, रिव्यू का एंगेजमेंट लेटर दे देंगे, तो इन दैट दोनों केसेस में आप क्लाइंट की जस्टिफिकेशन से आप दोनों केसेस में एग्री कर रहे हैं। सर 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 इस केस में दोनों केसेस में आप न्यू एंगेजमेंट लेटर दे देंगे और नए एंगेजमेंट पे परफॉर्म करेंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है सर कि आप क्लाइंट की बेसिस जो बेसिस दिए है, उसने जो जस्टिफिकेशन दी है उससे चेंज की जस्टिफिकेशन आप उससे एग्री ना करें, तू सर चेंज एग्री ना करें। सर बहुत मुमकिन है जो उसकी जस्टिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, अनसेटिस्फेक्टरी है, कोई मंतक ही नहीं है, जबरदस्ती की बात कर रहा है यार, मतलब ये कि ये इसको रिवर्स समझ लो कि क्लाइंट की फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट जो है क्लाइंट का बिजनेस बढ़ रहा और वो आपसे कह दे यार कि भाई मैं तो फीस रिड्यूस करूंगा जाओ ऐसी तैसी, ठीक है ना, मतलब जस्टिफाइड ना हो क्लाइंट की रिक्वेस्ट। तो इस केस में और स्टैंडर्ड आपको कहता है कि यू यू शुड कंटिन्यू विद द ओरिजिनल एंगेजमेंट, आप उसकी टर्म्स आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप टर्म्स को रिवाइज नहीं करोगे, यू विल कंटिन्यू विद द ओरिजिनल एंगेजमेंट। सर ओरिजिनल एंगेजमेंट आप कंटिन्यू करेंगे, ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, और टर्म्स को रिवाइज नहीं करेंगे। सर इस केस में फिर इसका मतलब ये कि नया एंगेजमेंट लेटर नहीं जाएगा, पुराना एंगेजमेंट लेटर जो गया है बस उसी से काम चला है, वही होगा ऑडिटर के पास होगा, वही क्लाइंट के पास होगा। सर इस केस में मैनेजमेंट के दो रिएक्शन हो सकती है, या तो मैनेजमेंट चुपचाप होकर बैठ जाए, कहे भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, ऑर्डर से कौन जीतेगा, तो मैनेजमेंट कहेगी भाई सही है भाई करते रहो काम, मैं क्या कर सकती हूँ, तो कुछ भी नहीं होगा। सर ये भी हो सकता है मैनेजमेंट ये कहे कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करती, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तो उस केस में स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि सर अगर ऐसा करे ना आपका क्लाइंट आपके साथ, आपको
अलाउ ना करें, तो सर आप ऐसा करें एंगेजमेंट से विड्रॉ कर जाए। सर एंगेजमेंट से विड्रॉ करना है आपने, एंगेजमेंट से विड्रॉ करना है। विड्रॉ करने का मतलब ये है कि आप ऑडिट रिपोर्ट कोई भी इशू नहीं करेंगे, आप हाथ उठा के चले जाएंगे कि बस हमने नहीं देना। सर सिर्फ विड्रॉ नहीं करना, हाथ उठा के चले जाने का मतलब आपने ऑडिट रिपोर्ट तो देनी नहीं है, तो दुनिया को कैसे बताएंगे कि इस तरह आपके साथ इसलिए हुआ। सर आपने इस केस में ओनर्स को इन्फॉर्म करना है, रेगुलेटर्स को इन्फॉर्म करना है थ्रू अदर मीन्स, बस ऑडिट रिपोर्ट नहीं देनी, क्योंकि ऑडिट आपने किए नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट कैसे देंगे। यू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, यहाँ आपने डिस्क्लेमर नहीं दिया है, यहाँ आपने विड्रॉल किया है, और ओनर्स को, दोस्त चार्टर्ड ओनर्स को, रेगुलेटर्स को, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में एसईसीबी को आपने बात बता देनी है कि भाई मेरे साथ ये हुआ, क्लाइंट ने मेरे साथ ये किया। अच्छा सर एक एग्जाम्पल आप और इसमें बता सकते हैं और कि सर कब कोई जस्टिफिकेशन रीजनेबल नहीं होगी या कोई चेंज की जो रिक्वेस्ट है वो रीजनेबल नहीं होगी। सर ऐसा हो सकता है, इसी एक मिसाल है जो आपके स्टैंडर्ड में गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑडिटर आया ऑडिट करने और रिसीवेबल्स का ऑडिट कर रहा था और रिसीवेबल्स में काफी मसले आ रहे थे, रिसीवेबल्स की कंफर्मेशन वगैरह नहीं हो पा रही थी क्योंकि आपको पता है कि क्लाइंट को पता है कि वो फेक रिसीवेबल्स है, सब बोगस एंट्रीज थी। तो सर अब ऑडिटर इस नतीजे में पहुंच रहा था कि यार ये तो सब गड़बड़ है, यहाँ पे तो एविडेंस आ ही नहीं रहा है, ये मैं रिपोर्ट को मॉडिफाई करूंगा, डिस्क्लेमर दूंगा। तो इससे बचने के लिए क्लाइंट ये कहते हैं बीच में, यार सर वो एक्चुअली हम जो है वो ऑडिट नहीं कराना था, हमें तो रिव्यू कराना था, गलती हो गई, क्योंकि क्लाइंट को भी पता है कि सर रिव्यू में कम प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं। In order to avoid a qualified opinion or disclaimer, अगर क्लाइंट इस तरह की हरकतें करें, उसको पता लग जाए कि यार ऑडिटर ने तो बजा दी नहीं रिपोर्ट में और रिपोर्ट में सब ऑडिट करने आया और डिटेल में किया है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस पे चले जाते हैं एंगेजमेंट को। तो उस केस में ऐसे सिनेरियो में ऑडिटर कभी भी एग्री नहीं करेगा, ये बेसिकली ये जस्टिफिकेशन जो है ना रिजनेबल नहीं समझी जाएगी। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, क्लाइंट जो है वो एक क्वालिफाइड डिस्क्लेमर ओपिनियन से बचने के लिए लेवल ऑफ अश्योरेंस को गिरा दे, ऑडिट से रिव्यू की तरफ ले जाने की रिक्वेस्ट करे, तो वो रिक्वेस्ट रीजनेबल नहीं होगी सरकमस्टेंसेस में। सर ये एक एग्जांपल है, पास्ट पेपर्स में आई है, आपको पता होना चाहिए। सर बस एक छोटा सा टॉपिक इसका और हम देखते हैं, फिर स्टैंडर्ड खत्म है और ये मिलता जुलता ही है इससे। सर 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 ऐसा इसी सिनेरियो को हम आगे लेके चलते हैं कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है एंगेजमेंट को, एंगेजमेंट को ऑडिट से रिव्यू में चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक एजीएम होती है, इसमें ऑर्डर अपॉइंट होता है। सर ऑर्डर अपॉइंट हो गया तो ऑब्वियसली वो अपनी कंफर्मेशन एंगेजमेंट लेटर के थ्रू देगा। सर अभी तक बात सही थी, ये एक एजीएम हुई थी, आपको पता है इस एजीएम से नेक्स्ट एजीएम तक इसका टेन्योर था। सर बीच में हुआ कि जो क्लाइंट था ना उसने रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट से, अभी ऑडिट कम्प्लीट नहीं हुआ है, कि सर आप इस एंगेजमेंट को जो है ना रिव्यू में कन्वर्ट कर दें, ऑडिट को रिव्यू में कन्वर्ट कर दें या रिलेटेड सर्विस में कन्वर्ट कर दें। तो सर ये बेसिकली क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, तो आपने ऊपर जैसे देखा था आप ये असेस करेंगे कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। फर्स्ट करें रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, आप एग्री कर रहे हैं कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। तो सर आपको ये पता होना चाहिए कि अब आप नई एंगेजमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो सर जो आपने पहला एंगेजमेंट लेटर इशू किया था ना, ये प्रायर एंगेजमेंट लेटर था, फर्स्ट वन जो था, सर ये एंगेजमेंट लेटर अब वैलिड नहीं रहेगा, अब आपको नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ेगा, यानी न्यू एंगेजमेंट लेटर वुड बी इशूड इन दैट केस। अगर रिव्यू का है तो रिव्यू से रिलेटेड होगा, रिलेटेड सर्विसेज का है तो रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड होगा, लेकिन नया एंगेजमेंट लेटर जाएगा हर हालत में जाएगा। अच्छा सर ये भी बात समझ में आ रही है, कोई बात गलत नहीं है। सर आपको ये भी पता है कि जब ये न्यू एंगेजमेंट लेटर दिया था उससे पहले आपने ऑडिट का काम तो किया था ना, कुछ ना आपने ऑडिट का काम किया था। तो सर ऐसा हो सकता है कि जो आपने जो ऑडिट का काम पहले किया था, सर ये जो आगे काम करने जा रहे हैं ये उसमें हेल्पफुल हो, यानी आगे जो मैं काम करने जा रहा हूँ रिव्यू में, क्योंकि ऑब्वियसली रिव्यू में भी वही प्रोसीजर इस्तेमाल होते हैं बल्कि कम एक्सटेंट में होते हैं जो ऑडिट में होते हैं, तो ऑडिट की चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो रिव्यू में भी काम आ सकती हैं। तो सर कोई उसमें कोई खर्च नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर स्टैंडर्ड आपका ये कह रहा है कि जब ये जो न्यू रिपोर्ट इश्यू, न्यू एंगेजमेंट लेटर जाएगा और उस पर रिव्यू की फाइनल रिपोर्ट इशू होगी, यानी जो न्यू एंगेजमेंट हुई है उससे रिलेटेड रिपोर्ट इशू होगी, ऑडिट की रिपोर्ट इशू नहीं होगी। इस फाइनल ऑडिट, फाइनल रिपोर्ट में जो कि रिव्यू से रिलेटेड होगी या एंगेजमेंट या रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड होगी, तो ये फाइनल रिपोर्ट जो है इस, ये रिवाइज एंगेजमेंट से रिलेटेड होगी। सर इसमें ऑडिट का कोई जिक्र नहीं किया जाएगा, यानी इसमें हम ये नहीं कहेंगे यार पहले हमें ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया था फिर बाद में कुछ मसला हुआ जिसकी वजह से हमारी एंगेजमेंट चेंज हो गई और हमने रिव्यू पे काम किया और रिव्यू पे एश्योरेंस दी, तो ये बात हम इस तरह की नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यूजर को कंफ्यूज नहीं करना है। हम यही बताएंगे कि भाई हमें अपॉइंट किया गया था रिव्यू करने के लिए और हमने रिव्यू पे उसके स्टैंडर्ड से हम अश्योरेंस दे रहे हैं। तो सर इस केस में हम जो ऑडिट का काम हुआ है प्रीवियसली परफॉर्म,
सर उसका हम कोई जिक्र नहीं करेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं करेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। ये बात अलग है कि वो जो वर्क परफॉर्म किया है ये ऑडिटर को हेल्पफुल रहेगा रिव्यू में। तो सर ये एक रिक्वेस्ट थी, ये वही है बेसिकली कि अगर रिक्वेस्ट कर दे क्लाइंट कि आप जो है ऑडिट को रिव्यू में चेंज कर दें तो उसकी क्या कंसिडरेशन है। उसकी कंसिडरेशन ये है कि सर नया एंगेजमेंट लेटर जाएगा रिव्यू का या रिलेटेड सर्विस का, और उस एंगेजमेंट लेटर के तहत जो नई रिपोर्ट जाएगी उस रिपोर्ट में हम ऑडिट का कुछ जिक्र नहीं करेंगे कि पहले हमें ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया था या और फिर बीच में चेंजेस आए, ताकि यूजर को हम कंफ्यूज ना करें। सर अभी तक जो है ना ये हमने आयजा 210 पूरा पढ़ लिया और ये छोटा आयजा है और इसमें कोई ऐसी ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है। बस सिर्फ ये कि प्लानिंग स्टेज में प्लानिंग को फॉर्मली स्टार्ट करने के लिए इस स्टैंडर्ड से हम बिगनिंग करते हैं। ये बेसिकली टर्म्स को डॉक्यूमेंट कर देता है ताकि फॉर्मल प्लानिंग आप आगे जाके करें। सर प्लानिंग स्टेज का ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड नहीं है, ये हम बाद की क्लासेज में देखेंगे कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड कौन सा है और जो प्लानिंग को सेट आउट कर रहा है प्लानिंग स्टेज को। अच्छा सर हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि इसके हम पास पेपर्स करें और नेक्स्ट क्लास में हम आइजर 300 प्लानिंग को स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर ये आज की क्लास जो थी ना सर, दिस इज ये रिकॉर्डेड क्लास थी, ये लाइव क्लास नहीं हो सकी थी क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने बेसिकली क्योंकि आपका टाइम जाया ना और वैसे लॉकडाउन की वजह से सारे काफी सारे आप लोग स्ट्रेस में होंगे, तो मैंने ये रिकॉर्डिंग दे दी थी आयसा 210 की। तो आप इसको देखो, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ लो। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी ना जिसमें उसके पास पेपर्स कराऊंगे तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या जो तुम लोगों को प्रॉब्लम होंगी वो तुम उसमें मैं तुम्हारी एड्रेस कर दूंगा। तो ठीक है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास का ना टाइमिंग हम तुम्हें बता देंगे। और यार वीक में हमारी 3 से 4 क्लासेस होंगी, तुम लोग यार सीरियस लो इन सब चीज़ों को। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार कि बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों का कोर्स लेके चले। तो इंशाल्लाह देखो नेक्स्ट क्लास का जैसे ही होता है तुम लोग, ठीक है।